अगर इस बार हरियाणा सरकार ने मुझे जवाब नहीं दिया, हरियाणा सरकार ने मुझे जवाब नहीं दिया, तो मैं हरियाणा सरकार के बारे एक वीडियो जरूर बनाऊंगा भाई, जरूर। अगर मुझे दो दिन तक अपडेट नहीं मिला कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी जो ये मीडिया है, अभी सबको पता है कि अभी जो जस हत्याकांड हुआ है उसमें शुरू में मीडिया ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई। सबसे मेन आती है पूनम पंडित, जिसने एक बार भी वहाँ पर जाके वीडियो नहीं अपलोड की है कि बच्चे को इंसाफ दिलाओ भाई, वो करो। पूनम पंडित अगर कहीं खटीमा में या रुद्रपुर में, अगर कहीं हरियाणा में अगर कोई विधायक आता है तो बहुत जल्दी पहुँचेंगे। आप पूनम पंडित के बारे में दो लाइनें ज़रूर बोलें कि उसने ऐसा क्यों किया भाई। पूनम पंडित के बारे में कैसे जानूं जी, मैंने उसकी वीडियो देखी है। क्या जानते हो उसके बारे में? मतलब मैं ये जानता हूँ कि जैसे कोई भी विधायक या किसी के अगर किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा तो पूनम पंडित बोलती है, हर चीज इंसाफ में यानी इंसाफ दिलाने के लिए पहुँचती है। हाँ जी, तो इस मेरा कहने का मतलब है कि वो इस बार क्यों नहीं पहुँची, मेरा सवाल है उससे, वो इस बार क्यों नहीं पहुँची एनडी हरियाणा चैनल पे, मेरा आज सवाल है कि वो क्यों नहीं पहुँची। ये भी बड़ा सवाल है यार, इतने इतने छोटे छोटे बच्चे उसके बारे में सवाल कर रहे हैं, पूनम पंडित कहाँ लुक के बैठ चुकी है, उसको बाहर आना चाहिए। लेकिन थोड़ी कहीं ना कहीं मेरे को मिल रही अपडेट की गई थी, लेकिन नो नहीं पता, घर पे गई थी, घर पे नहीं गई शायद, लेकिन हरियाणा गई थी जरूर, और उसके बारे में बोली गई ना गई। उसने कोई आज तक वीडियो बनाई है उस जस हत्याकांड के बारे में? उसने कोई अपडेट दिया है हमें कि उसको ये कर दिया गया, उसको ये मिला, उसको वो मिला? हमें इंसाफ चाहिए भैया। यार मैं क्या बोलूं, आप बोलो ना बोलो, पर पूनम पंडित के बारे में जरूर बोलो। पता नहीं भाई क्या कोई ऐसा वीडियो दिखा नहीं, लेकिन आगे पीछे कुछ बनाई तो पता नहीं, मैंने और मैं चाहूंगा कि वही बनानी चाहिए जरूरी। आप ही मुझे एक मेन बंदे लगे जो पूनम पंडित के बारे में कुछ कहना चाहते थे, मुझे आपके पास भरोसा था। मेन तो बंदे हो एनडी हरियाणा के, आपको पता होना चाहिए। क्या बताना चाहिए कि पूनम पंडित क्यों नहीं गई, पूनम पंडित के आप अपडेट लें पूनम पंडित से। हम यार मैं क्या अपडेट लें, मैंने क्या बताया यार, मैं जबरदस्ती थोड़ा भेज दूंगा, गई होगी वैसे, गई है यार, उसके बारे में बातचीत करिए। बातचीत करने से कुछ नहीं होता, उसकी दादी को सजा मिलनी चाहिए, चाचा चाची को सजा मिलनी चाहिए, उसके माँ बाप से पूछताछ करनी चाहिए। हमने पिछली वीडियो में क्या बोला था कि हमें कांटेक्ट करें एनडी हरियाणा से, हमें कमेंट करके बताएं कि हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, इसका कहने का मतलब ये है नहीं, कोई अपडेट नहीं मिल रही है, पहले तो इतनी आवाज उठाई जा रही थी, अब मैं यूट्यूब खोलता हूँ मुझे कोई अपडेट नहीं मिलती। अब मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में कोई वीडियो बनाई जाए कि हमें अपडेट मिले, ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमें मिले। यार मेरे को तो पत्रकार हिला दिया, क्या जवाब दूं मैं, कोई अपडेट ही नहीं मिल रही खास तौर पर। और खास तौर पे चलो पूनम पंडित की बात छोड़ो, वो तो भाई बड़े आदमी हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम छोटे न्यूज़ है तो कुछ नहीं कह सकते। बट जो ये जी न्यूज़ या ये अब तक न्यूज़ वाले जो कि हैं सबसे पहले आगे, पीटीसी पंजाबी न्यूज़ सबसे पहले तो वो पहुंचती थी, पंजाबी न्यूज़ बड़े चैनल है, वही नेशनल चैनल है। हाँ जी, तो ये पहुंचती थी सबसे पहले वहाँ पर, जहाँ भी कोई हत्याकांड होता था या कुछ होता था कि भाई कुछ वो हो गया ट्रैक्टर वैक्टर को, खेतों का ये मामला हो गया। बट अभी जो मामला दिख रहा है भाई, अभी पीटीसी पंजाबी न्यूज़, पंजाबी न्यूज़ जी, आपने देखा होगा डिश टीवी वगैरह में, एयरटेल वगैरह में ये चैनल आते हैं। अरे मेरे भाई, हरियाणा में हरियाणवी चैनल ही तो न्यूज़ उठाएंगे ना भाई, टीवी वालों में, चलो टीवी वालों को आवाज उठानी चाहिए भाई, टीवी अब ये तो नहीं है, अब ये बात तो नहीं है कि हर एक बंदे के पास मोबाइल हो, ये बात नहीं है, टीवी तो सबके पास ही होता है भाई, एलईडी टीवी हो या दूसरा टीवी हो भाई, टीवी हर एक बंदा देखता है। अब तक न्यूज वाले जो कि डीडी फ्री डिश में आता है ये चैनल, तो उनको तो जरूर ये खबर देनी चाहिए, घर 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 तक पहुँचानी चाहिए खबर, अपने बच्चों को संभाल के रखें, है ना भाई। तो टीवी वाले भी कुछ नहीं कर रहे, आप फोन, अब कोई ऐसे होते हैं कि मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो फ़ोन ले ले, एक चाहे 5,000 वाला हो, जितने मर्जी वाला हो, वो मतलब नहीं ले पाते हैं फ़ोन अपना। छोटी सी बात कह के ना ख़त्म करूँगा मैं, आपके जवाब नहीं दे सकता हर तरह के, क्या पता क्या पूछ लें। तो उसकी कोई अपडेट नहीं आई है, उसके बाद CM साहब ने कहा था कि भाई CBI जाँच होगी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसकी होनी है, लेकिन अब तक उसके बाद कोई अपडेट नहीं आई है कि कब होनी है। पर मुझे इसका अपडेट मिलना चाहिए कि अभी वहाँ पर क्या हो रहा है, अब मुझे, मैं तो इतना बोल रहा हूँ। मैं बताऊँ, चलो मेरी बात, आपको अपडेट मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में जितने भाई है ना, और वैसे मैं संपर्क कर लूँगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ उत्तराखंड में आया था, उपचुनाव है, पुष्कर सिंह धामी जो यहाँ से उपचुनाव में खड़े हुए हैं उसकी मैं यहाँ पर कवरेज करने के लिए आया था, तो ये सवाल पूछ लिया। और ये जो सरकार है हमारी, यानी कि हरियाणा सरकार, तो मैं हरियाणा सरकार को तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उसको कुछ कह दूं भाई, हरियाणा सरकार भाई बहुत आगे की है,
ऐसी इतनी तो पंजाब की भी नहीं है जितनी हरियाणा है। तो मेरा एक ही सवाल है हरियाणा सरकार से कि भाई इंसाफ दिला दो, उसके माँ बाप पे क्या बीतती होगी कि भाई हमारे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला, उसकी आत्मा तो अभी भी भटकती होगी इधर उधर कि मुझे इंसाफ चाहिए, उसको मुक्ति दिलाओ यार, क्यों नहीं उसको मुक्ति दिला रहे हो हरियाणा सरकार को। मैं ये तो नहीं है कि मैं उनके पास जाके लड़ पड़ूँ, इंसाफ दिलाओ मुझे, मेरा तो इतना ही काम है बस मुँह से बोलना और उनका काम है आगे करना, उनकी मर्जी है करें ना करें। बट अगर इस बार हरियाणा सरकार ने मुझे जवाब नहीं दिया, हरियाणा सरकार ने मुझे जवाब नहीं दिया, तो मैं हरियाणा सरकार के बारे एक वीडियो जरूर बनाऊंगा भाई, जरूर। अगर मुझे दो दिन तक अपडेट नहीं मिला कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं